नाउ प्रेजेंटिंग ओल्ड रूम हीटर। दोस्तों हम इस रूम हीटर को अब ठीक करेंगे। सबसे पहले हमको इसको प्लग मिला के चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लग मिला के हमने चेक किया तो ये चालू नहीं है, तो अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और घंटे के आइकन को भी ज़रूर दबा ले, जिससे हम कोई नई वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि दोस्तों हमने उसको खोल लिया है, खोलने के बाद हम तो इसमें देख पा रहे हैं कि इसका जो नीचे का जो स्विच होता है ऑटो स्विच, वो जल गया है और उसी की वजह से ये बंद हुआ है। हम क्या करेंगे, हमारे पास फिलहाल स्विच नहीं है तो अब इस स्विच को हम बाईपास करेंगे। बाईपास करने से पहले हम पहले रोडों को चेक कर लेते हैं कि रोड हीटिंग एलिमेंट ठीक है या नहीं। तो दोनों ठीक है, दोनों में हमारी जो सीरीज है वो सही है, बल्ब जल रहा है सीरीज का चेक करने से। तो पुरानी टेप वगैरह को हटाने के बाद इसको प्रॉपर छील लिया है हमने तारों को। इसमें नॉर्मली कनेक्शन होते हैं, ये हमारा मेन लाइट का तार है फेस वाला, ये दूसरा न्यूट्रल वाला। बस हमने जो इसकी कनेक्शन लीड है उसके तार छील लिए हैं और उनके अंदर स्लिप फंसा रहे हैं, क्योंकि टेप तो इसके अंदर लगेगी नहीं, स्लिप भी लगानी पड़ती है जो कि हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है, वो हाई टेम्परेचर को सेंस कर सकती है स्लिप, जिसकी वजह से हमको स्लिप भी लगानी पड़ती है। टेप इसके अंदर हमको कभी नहीं लगानी है, पहले शायद इसमें टेप लग रही थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, अगर इसमें स्लिप होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती तार जलने की। तो अब हमने इसको दूसरे जो तार लग रहा है उसको निकालेंगे। जो सबसे जल गया है उसमें से उसको भी छील लेंगे। छीलने के बाद हमने स्लिप काट लिए दोनों को बराबर नाप, और अब स्लिप इसके अंदर फंसा करके हम तारों को जॉइंट कर रहे हैं। दूसरा वायर भी हमने जॉइंट कर दिया। अब इन तारों को दोनों को हम इसी प्लास्टिक में ही अच्छे से सेट करेंगे, ताकि जिससे कि ये दोनों तार कभी हिले ना। सो दोस्तों तैयार है हमारा रूम हीटर, देखो कितना जल गया है और काफ़ी अच्छी हीटिंग भी दे रहा है। ये रोड चल गई, नीचे वाली भी चल गई। दोस्तों हमें वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट